नमस्कार दोस्तों, मेटामॉसिस में मैं नागेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी को ये इन्फॉर्म करना है कि नागेंद्रास मेटामॉसिस ने उत्तराखंड एलटी के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें 51+ सीट लेके एक रिकॉर्ड कायम किया है। और ये सब हमारे स्टूडेंट्स की लगातार मेहनत का नतीजा, और जिस तरीके से हमने उन्हें गाइड किया उसमें गुरु पे फेथ होना, टीचर पे फेथ होना, वो सबसे बड़ी बात है। कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नहीं, हम जो है हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और हम इन चीजों को जानते हैं, लेकिन कई बार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत फेथ रखते हैं कि जो सर बताएंगे वो हमें पहले करना है, उसके बाद अपनी चीजों को देखना है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है किसी भी एग्जाम में। तो हमारे स्टूडेंट्स ने सबसे बड़ी बात है कि हम पे फेथ किया और इस तरीके से हम इतना बड़ा रिजल्ट निकालने में कामयाब हुए। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 51+ सीट लेना अपने आप में एक उपलब्धि इसलिए मानी जाएगी क्योंकि सीट्स जितनी है उसकी अपेक्षा ये टोटल सीट्स में ये बहुत जो है एक अच्छा रिजल्ट माना जा सकता है। इसका अभिप्राय मेरा ये नहीं कि मैं अपनी इंस्टीट्यूट या अपनी कोई तारीफ करना चाहता हूं, बल्कि आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं उसमें मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने जो निकले हैं इसमें और जिन्होंने सक्सेस पाई है मेहनत से रात दिन, वो उनके जो दिल की जो पहली आवाज है नमस्कार, मेरा नाम है रजनी जोशी, मैं उत्तराखंड बागेश्वर से हूँ एंड आई हैव सिक्योर 10th पोजीशन इन उत्तराखंड एलटी एग्जाम। एंड दिस सक्सेस डिडंट कम टू मी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। एंड व्हेन आई टुक माय एग्जाम इन 2018, इट वाज अ टोटल फेलियर। आई कुडंट इवन सिक्योर मोर देन 55 मार्क्स इन दैट एग्जाम। बट तब भी से मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को एक कंटिन्यूस वे में प्रिपरेशन करनी है। और जब मैंने इस टाइम एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा था तो उस टाइम मैंने यूट्यूब पे सर्च कर रही थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम, एंड द फर्स्ट वीडियो विच केम इन फ्रंट ऑफ मी वाज ऑफ नागेंद्रा सर। एंड आई वॉच दैट वीडियो अगेन एंड अगेन, दैट वाज क्वाइट कन्विंसिंग वीडियो। आई फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट दैट समवन इज टेलिंग द ट्रूथ, ही इज़ नॉट डूइंग जस्टिस प्रचार विच यू कॉल प्रोपागेंडा, बट ई वॉज एक्चुअली टेलिंग अस द ट्रूथ। तो हाउ कैन वी प्रिपेयर अवर सेल्फ विदाउट एनी कोचिंग। ही वॉज नॉट इन दैट वीडियो सर टोल्ड द होल स्ट्रेटजी, ही टोल्ड अबाउट द होल सिलेबस, हाउ वास्ट सिलेबस इज ऑफ एलटी एग्जाम, एंड दैट वॉज क्वाइट ट्रू। और उन्होंने कुछ बुक्स भी उसमें सजेस्ट की थी, जिसमें जैसे कि उनके सजेशन पर मैंने BBJN की बुक खरीदी थी। और बाद में मैंने देखा था कि सर ने उसमें कहा था वीडियो में कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बुक इन्हीं बुक्स आपको पढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि वो बहुत एफर्ट लगा रहे हैं और बताते नहीं अपने सोर्सेस को, लेकिन सर ने अपने फर्स्ट उसी में बता दिया था कि ये बुक्स आप खरीदिए अगर आप कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो। और मैंने वो बुक खरीदी और मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया तो हाँ, मुझे लगा कि हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनके वीडियोस हम देखते हैं वो यही क्वेश्चन हमको पढ़ाते हैं। तो इस बात से मुझे और भी सर में ट्रस्ट बढ़ गया था। तो उसके बाद 2021 मार्च में जब हमारा लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था और उसको देने के बाद जो स्ट्रेस मैंने फील किया था, उसके बाद मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी आगे कि मैं एलटी का एग्ज़ाम भी दे पाऊँगी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि आई विल बी एबल टू क्लियर दैट एग्ज़ाम। तो उसी स्ट्रेस में मैंने डिसीजन लिया कि अब नहीं, ये टाइम हो चुका है, अब मैं सर का कोर्स परचेज कर ही लूँगी। तो अप्रैल में मैंने सर का कोर्स परचेज किया था और वहाँ से हमारी ये एक लर्निंग की एक जॉयफुल जर्नी स्टार्ट हुई थी। और मतलब सर ने जैसे जो जिस स्ट्रेस के साथ मैंने पहले एग्ज़ाम दिए थे और जिस मज़े के साथ मैंने फिर सर से जुड़ने के बाद एग्ज़ाम दिए, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही है हमारी। सर ने हमको इतना ट्रेंड कर दिया था क्वेश्चन पूछ के कि मतलब जब एग्ज़ाम देने हम बैठ रहे थे तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कोई एग्ज़ाम देगी। मुझे उस समय भी लग रहा था कि सर जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम